सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। और जो भी लोग चैनल पे नया है, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फाइनली दोस्तों सभी डिवाइस के लिए यहां पर जो 1.6 का जो अपडेट है वो यहां पर दोस्तों जो वो रोल आउट कर दिया गया। यहां पर मैंने दोस्तों अपने 5A में भी ट्राई किया, मेरे पास रेडमी का Y2 है, उसमें भी मेरे को अपडेट का ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे ही दोस्तों यहां पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर रिडायरेक्ट कर रहा हूं एंड सर्च भी कर रहा हूं तो यहां पर दोस्तों जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर न्यू फ्लोरा मैनेज मोड, उसके बाद क्लासिक मोड, इंप्रूवमेंट्स, उसके रॉयल पास, मंथली, सारी चीजें यहां पर ऐड कर दी गई है। तो भाई आप लोग अभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों को 1.6.0 का अपडेट मिल चुका है, क्या आप लोगों ने अपडेट किया, मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर नहीं किया तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें आपको 4 तरीके बताए जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो भाई अगर आपके फोन में अपडेट का ऑप्शन शो नहीं करता होगा तो बड़ी आसानी से आप उस वीडियो को देखकर अपडेट का ऑप्शन जो है वो अपना अवेलेबल करा सकते। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहां पर आप लोगों का BGMI का अकाउंट जो है वो यहां पर बैन हो सकता है। जी हां, बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पे आप लोगों का अकाउंट है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आप लोग भाई नहीं चाहते हुए भी दोस्तों आप लोग का अकाउंट बैन हो सकता है। तो आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल पे अगर पहली बार आओ तो जरूर से सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले न्यूज़ वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर क्राफ्टन ने एक नोटिस जारी किया है, जो जैसे आप इस नोटिस के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है जो कि इलीगल प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो भाई आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ जिसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी आप लोगों को 1.6 का अपडेट मिला है एंड 1.6 के अपडेट के साथ आप लोग जब अपडेट करते होगा ना तो आप लोगों को एक सिक्योरिटी वार्निंग का पॉपअप आता होगा। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी वार्निंग किस लिए आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या इससे आपको कि कोई खतरा है, आपको टेंशन लेना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल इससे खतरा है। जी हाँ, आपकी आईडी जो बैन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वार्निंग मैसेज पॉपअप जो आएगा, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हो सकती है जिस वजह से आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कुछ रीज़न दिए गए कि इफ़ द इंस्टॉल ऐप इज़ डाउनलोडेड फ्रॉम अनऑफिशियल चैनल। तो अगर आप लोगों ने जो एप्लीकेशन को अपने इंस्टॉल किया, यानी कि जो BGMI का नया वर्जन आया वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, किसी अदर दोस्तों जो है वो अजीबो गरीब वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो दोस्तों ये इस केस में आपका जो आईडी है वो बैन हो सकता है। उसके बाद दूसरा भी यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि इफ़ यू हैव इंस्टॉल इलीगल प्रोग्राम एंड अनट्रस्टेड एक्सिलरी प्रोग्राम ऑन योर डिवाइस। मतलब अनट्रस्टेड बोले तो अगर आपने दोस्तों अपने जो वो BGMI के अंदर हैक वैक लगा के रखा हुआ है तो यहाँ पर आपका अभी जो चांसेज है, जी हाँ, अभी जो 1.6 का अपडेट आ गया, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गया कि आपका आईडी जो बैन हो सकता है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक और रीज़न है, इफ़ यू आर यूजिंग ए रूटेड और जेल ब्रोकिंग डिवाइसेज। तो देखो ये रूटेड और जेल ब्रोकिंग डिवाइस क्या होता है, देखो बेसिकली दोस्तों ये क्या होता है कि आप अपने फ़ोन को ना पूरी तरीके से अनलॉक कर लेते हो। जी हाँ, काफ़ी सारे हैकर यूज़ करते हैं पेड हैक वगैरह यूज़ करने के लिए, जिससे भाई लोगों को पता ही नहीं चलता है उनका फोन जेल ब्रोकिंग रहता है। जेल ब्रोकिंग इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊँ तो जेल ब्रोकिंग इन शॉर्ट में बोले तो भाई रूटेड डिवाइस। आप लोगों को पता होगा कि रूटेड डिवाइस में हम लोग बहुत सारे इलीगल काम कर सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो फ़ोन को रूट करके, यानी कि जेल ब्रोकन करके यहाँ पर गेम को हैक करके खेलते हैं, पेड हैक लगाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ इस तरीके का चीज़ें करके रखा हुआ है तो अब आप लोग का अकाउंट जो है वो बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। तो अगर आपने करके रखा है तो भाई इसको हटा ही लेना तो बढ़िया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और जो है वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन कि इफ़ यू यूज़ अनदर प्लेयर अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है वो अगर आप किसी अनदर प्लेयर का अकाउंट यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ना काफ़ी सारे अकाउंट यूज़ करते हैं, स्विच कर करके यूज़ करते हैं, दोस्त का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि भाई यहाँ पर आपका आईडी जो है बैन हो सकता है। तो जो आपका मेन अकाउंट है बस आप उसको ही लॉगिन करें जिससे भाई आप जो है वो आपका अकाउंट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आपके BGMI के दो भी फोल्डर है उसमें अगर आपका अबनॉर्मल डाटा डिटेक्ट होता है, अबनॉर्मल डाटा मतलब कि कुछ ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि GFX टूल हो गया, और भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वो उस तरीके की कोई एप्लीकेशन अगर डिटेक्ट करेगा BGMI का जो भी यहाँ पर एंटी चीट सिस्टम है तो आपका इस केस में जो आईडी बैन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने कुछ चीज़ें बता के भी रखी है, जैसे कि आपको क्या करना है अगर कुछ इस तरीके का दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो वो अनट्रस्टेड जो वो यहाँ पर फाइल दिखेगा, तो यहाँ पर इन्होंने बता के रखा है। तो मैं इसका जो इस पार्ट का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ रहा हूँ, आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पर ये लोग बताया कि आप रिपेयर पे जाना अगर इस तरीके का कोई एक्टिविटी आपको आए तो रूटीन रिपेयर पे जाके आप यहाँ पर जो वो सारी चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर देना। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपका जितना भी अनट्रस्टेड फाइल होगा आपके BGMI के जो फोल्डर होता है, जी हाँ, डाटा वाले फोल्डर में जो आपका PUBG.imobile में, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद
आपका दोस्तों जो अकाउंट है वो बैन नहीं होगा। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का पॉपअप आता होगा अगर आपने अपडेट किया होगा 1.6 वर्जन में। तो इसको लेकर आपको डरना नहीं है, आपको जो भी ये प्रोसेस बोलेगा उसको आपको फॉलो करना है, आपको सारी चीज़ों को सही से फॉलो करना है, और उसके बाद आपको अपने अकाउंट को एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लेना है, एंड उसके बाद आप बिंदास खेल सकते हो, उसके बाद आपकी आईडी जो वो बैन नहीं होगी। तो ये कुछ रीज़न है, ये कुछ दोस्तों कारण है, बहुत बड़े बड़े कारण है, जो अगर इस तरीके कुछ आप लोगों ने करके रखे हैं तो भाई इसको आज के आज ही हटा देना। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिसको भी ये पॉपअप आ रहा है डरने की कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया तो आपकी आईडी बैन नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।